लापता लेडीज का मेन लीड कौन है आपको पता है? आपका आंसर होगा दीपक और फूल। तो मैं कहूंगा नहीं। अगर मैं पूछूं कि मूवी का टॉपिक क्या है तो आप कहेंगे एक इनोसेंट लव स्टोरी। तो मैं फिर कहूंगा नहीं, बिकॉज पहले तो इस फिल्म में कोई लीड नहीं है, सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और दूसरी चीज है कि ये मूवी एग्रीकल्चर अवेयरनेस पे बनाई है। जया की शादी होने के पहले का सीन है कि जया कहती है कि वो शादी नहीं करेगी क्योंकि उसे एग्रीकल्चर पढ़ना है। उसी में वो कहती है कि 10 साल बाद ऑर्गेनिक खेती का डंका बजेगा इंडिया में। बाद में जब वो दीपक के खेतों में होती है तो वो वहां पे पेस्ट को मारने का सबसे बढ़िया सजेशन देती है। जब उसे पूछते हैं कि ये सब कैसे पता, तो वो कहती है बाप का खेत थोड़ा थोड़ा बिकते हुए देखा है, इसीलिए ये सब पता है। इस मूवी में एक ही बुक दिखाई है, वो भी एग्रीकल्चर स्टडीज की है। और लास्ट में जया जाती है डेहराडून पढ़ने के लिए। तो इस फिल्म का मेन इंटेंशन ये है कि लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अवेयर किया जाए। पर खेती पे अगर कोई फिल्म बनाएगा तो उसे कौन देखने वाला है? क्योंकि जब इसी मूवी में दीपक का फ्रेंड जया से पूछता है खेतों में कि तुम कृषि दर्शन देखती हो, तो जया उसे इग्नोर करती है, जैसे लोग कृषि दर्शन को इग्नोर करते हैं। तो ये मूवी लोगों को दिखाना है, इसीलिए इसमें लव स्टोरी डाल दी है। एक्चुअली में ये स्टोरी दीपक और फूल के बेस्ट पे नहीं, बल्कि जया की संघर्ष की स्टोरी है।